हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ खास डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत जगह हमारे काम आती है। मेन टारगेट तो वैसे मेरा था कॉची रेजिड्यू थ्योरम करवाने का, फिर मुझे लगा कि उससे पहले रेजिड्यू, सिंगुलर पॉइंट्स, जीरोस और उससे भी पहले एनालिटिक फंक्शन हमें पता होना चाहिए, और उससे भी पहले सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन की कुछ टॉपोलॉजी हमें आनी चाहिए। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो बिना पढ़े कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं पढ़ी जा सकती डिटेल में ढंग से समझते हुए। तो इसलिए कुछ ऐसी डेफिनेशंस मैं यहाँ पर लूंगा, जैसे सर्किल, ओपन डिस्क, क्लोज डिस्क, एनुलस है, नेबरहुड है, डिलीटेड नेबरहुड है, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, सिंगुलर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स, कनेक्टेड सेट्स, मतलब बहुत सारे इस तरह के डेफिनेशंस हैं, लिमिट पॉइंट्स, जिसमें कन्फ्यूजन होता है काफी ज्यादा। लेकिन अगर हमें वो डेफिनेशंस पता हैं तो बहुत सारी थ्योरम्स को और स्टेटमेंट्स को समझने में आसानी होती है, आपको बुक पढ़ने में मजा आएगा अगर आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हैं। क्लियर होने का मतलब ये है मेरा कि आपको ये वर्ड सामने आते ही वीडियो बन जानी चाहिए दिमाग में, इमेज बन जानी चाहिए इस चीज की। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको इस गहराई तक आपके दिमाग में पहुंचे कि आपके दिमाग में इमेज बन जाए उस वर्ड से रिलेटेड। और ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरीके से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लैंग्वेज है ये, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं उसके जो हमें सीखने जरूरी है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वर्ड्स की जरूरत होती है, तो वैसे ही यहाँ पर ये हमारे लिए वर्ड्स हैं जिनको सीखे बिना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीखा नहीं जा सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्किल से। सबसे बेसिक से डेफिनेशन सबको पता होती है वैसे ही, तो डेफिनेशन ये है, द सेट ऑफ द पॉइंट्स z इज इक्वल टू x, y व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू r। अब इसको समझने से पहले, वैसे तो मुझे यकीन है कि आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2 तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है z1 माइनस z2 का मॉड। तो यहां पर ये लिखा हुआ है z माइनस z0 का जो मॉड है वो इक्वल आएगा r के। तो इस सर्किल का सेंटर होता है z0, इस चीज को 0 के इक्वल करके आप निकाल सकते हो और रेडियस इधर लिखी रहती है। अब इस इक्वेशन को एक बार मैथमेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सर्किल का मतलब है केवल इस सर्किल के बाउंड्री पॉइंट्स, जो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, मैं बना भी नहीं सकता इनफाइनाइट तो, लेकिन जितने बना सकता हूं मैं बनाता हूं एक बार। ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ये सभी जेड पॉइंट्स हैं, और इनकी जेड पॉइंट्स ये हैं, ये जो ब्लैक मैंने बनाए हैं, इनकी इस सेंटर मतलब जेड जीरो से जो डिस्टेंस है अगर वो फिक्स्ड हो जाए, आर ही हो हर बार, अगर ये डिस्टेंस आर ही हो तो ये सर्किल के सर्कमफेरेंस को डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से ये बनाई गई है, मतलब जेड माइनस जेड जीरो का मॉड, जेड माइनस जेड जीरो का मॉड का मतलब क्या हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का माइनस करके मॉड लिया हुआ है, इसका मतलब वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो जेड मान लो ये जेड है, ये भी जेड ही है, तो जेड की जेड जीरो से डिस्टेंस आर है, जेड की जेड जीरो से डिस्टेंस आर है, सब जगह जेड की जेड जीरो से डिस्टेंस आर है इसमें। तो ये सर्किल की इक्वेशन हो गई जो हमें रट लेनी है ध्यान में, दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन डिस्क। अब धीरे धीरे थोड़ी सी बेहतर डेफिनेशंस की तरफ अपन बढ़ेंगे, जिनमें हो सकता है कहीं आपको डाउट हो तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, ओपन डिस्क किसको बोलते हैं, ये जो सर्किल है ना, पहले मैं रफली बता देता हूं आपको, ये सर्किल है उसके अंदर के सारे पॉइंट्स को ओपन, अगर अंदर के सारे पॉइंट्स का सेट बना दें तो उसको ओपन डिस्क बोलते हैं। ये जो सर्किल है इसके अंदर के सारे पॉइंट्स ले लिए हमने, सर्कमफेरेंस नहीं लेनी इसमें, इसलिए ये ओपन डिस्क है। अगर इन सभी पॉइंट्स के साथ में सर्कमफेरेंस भी ले लेते हो तो वो क्लोज्ड डिस्क बन जाती है, बस इतना ही फर्क है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एन ओपन डिस्क इज डिफाइंड एज सेट डी, मैंने नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन डेफिनेशन ये है। तो डी के अंदर एलिमेंट्स हैं जेड जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और किस तरह के z हैं कि z माइनस जेड जीरो का जो मॉड है वो लेस देन r है, z माइनस जेड जीरो का मॉड इक्वल r था, ये लेस देन r है, ये लेस देन r का मतलब ये है कि ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स मैंने बनाया ना बीच में, वो सभी पॉइंट्स z को डिनोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि z की z जीरो से जो दूरी है वो r से कम है, r तो उसकी रेडियस है, बाकी अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब z पॉइंट्स हैं, और उन सभी पॉइंट्स को अगर सेंटर से मिलाएं तो रेडियस से छोटा ही बनेगा वो। तो ये लिखा हुआ है, ये ओपन डिस्क का मतलब ये हुआ कि उन सभी z पॉइंट्स का सेट जिनकी सेंटर से दूरी मतलब z0 से दूरी r से कम है तो वो इस तरह के ही बनते हैं।
जिसमें सरकमफेरेंस इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसने आर से छोटा बोला है, आर के बराबर नहीं बोला। और इधर क्लोज्ड सेट की अगर मैं बात करूं तो सेम डेफिनेशन है, ये एज इट इज है, यहां बस इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन होने का मतलब ये हुआ कि एक तो ओपन डिस्क तो लो ही, साथ में उसका सर्किल के सरकमफेरेंस के भी पॉइंट्स ले लो क्योंकि इक्वल का साइन भी आ गया उधर। तो ओपन डिस्क में सर्किल के सरकमफेरेंस को ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा बना दिया मैंने, और ये पूरा मिलकर के अब हो जाता है क्लोज्ड डिस्क। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आती है कहीं कहीं यूज में हमारे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने ये लिखा भी है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल नॉट ऑन सरकमफेरेंस। यहां ये खास बात ध्यान देने वाली है, इधर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द सर्किल्स, अंदर के भी पॉइंट्स लेने हैं और सर्किल के सरकमफेरेंस के भी पॉइंट्स लेने हैं आपको क्लोज्ड डिस्क में, ठीक है। ये तो विजुअलाइज करना बहुत आसान है मेरे ख्याल से, आप आराम से ओपन डिस्क, आपके दिमाग में ओपन डिस्क वर्ड आते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज चल रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एन्युलस। अब एन्युलस यहाँ थोड़ी सी जगह कम थी तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया केवल कि उन सभी जेड पॉइंट्स का सेट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इनइक्वालिटी क्या है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने को। ये तो ये कहता है कि इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि z माइनस जेड जीरो का जो मॉड है वो ग्रेटर देन आर होना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं कि एनुलस होता क्या है, दो सर्किल्स के बीच का पोर्शन को एनुलस बोलते हैं, सीधी सी बात यह है। दो सर्किल्स के बीच के पोर्शन में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, उन सभी पॉइंट्स का जो सेट है वो एनुलस है। रफली आपके दिमाग में ये होना चाहिए, डेफिनेशंस या मैथमेटिकल कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है वो तो अभी याद रखेंगे भी, अभी समझेंगे भी, लेकिन फिलहाल आप ये जाने दो तरह के एनुलस हैं, ओपन एनुलस और क्लोज्ड एनुलस। वैसे तो वहां जब भी मेंशन होगा कि ओपन और क्लोज्ड क्या है, लेकिन जनरल टर्म तो एनुलस ही यूज ली जाती है और उसको इस तरह से लिया जाता है कि दो सर्किल्स के बीच के जितने भी इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं वो सब एनुलस हैं। उस पार्ट को, उस पोर्शन को, उस सेट ऑफ पॉइंट्स को एनुलस बोलते हैं। और यहां क्लोज का मतलब वही सेम जैसे इसमें था क्लोज, कि बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। तो दोनों सर्किल्स की अगर बाउंड्री इंक्लूड करते हो तो क्लोज्ड एनुलस, और दोनों सर्किल्स की बाउंड्री एक्सक्लूड करते हो, हटाते हो, तो ओपन एनुलस हो जाता है। दोनों में है इनफाइनाइट पॉइंट्स ही, बस सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स यहां इंक्लूड नहीं है, यहां सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स भी इंक्लूड है। उसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा हुआ है, जेड माइनस जेड जीरो का मॉड इज ग्रेटर देन आर। ग्रेटर देन आर का क्या मतलब होता है, लेस देन आर का मतलब तो यह है कि ऐसे जेड पॉइंट जिनकी जेड जीरो से जो दूरी है वो आर से छोटी होनी चाहिए, तो वो अंदर के पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर दूरी आर से भी बड़ी हो जाए तो दूरी आर से बड़ी तो यहां कहीं आएंगे, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, तो मतलब सर्किल के बाहर के पॉइंट्स की बात चल रही है यहां पर। तो आर वन रेडियस, सॉरी वन नहीं लगाया मैंने यहां पर, आर वन रेडियस वाले सर्किल के तो बाहर के पॉइंट्स लेने हैं, इसका यह मतलब है। तो यह आर वन सर्किल है, इसके तो बाहर के पॉइंट्स लिए। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि R2 रेडियस के सर्किल के अंदर के पॉइंट्स लेने हैं, लेस देन मतलब अंदर के पॉइंट्स लेने हैं, इस तरह का हो गया। तो R2 रेडियस के सर्किल के अंदर के पॉइंट्स लेने हैं। इक्वल का साइन ना यहां लगाया है ना यहां लगाया है, इसलिए सर्कमफेरेंस इंक्लूड नहीं करी है, ये रीजन है, ठीक है। अभी क्लोज्ड वाले में दोनों जगह बस इक्वल का साइन लगा दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। R1 से R2 रेडियस के सर्किल के बीच के सभी पॉइंट्स क्लोज्ड एनुलस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चार डेफिनेशंस हैं। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और यहां से अब सारी डेफिनेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड। देखिए डिस्कस करते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट और डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट, वो छोटा सा फर्क है। देखिए स्टार्ट करते हैं, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, अ डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z0 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स z व्हिच लाई इन द ओपन डिस्क। हमने अभी डिस्कस किया ओपन डिस्क क्या होती है, तो ओपन डिस्क ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाई इन द ओपन डिस्क, ये ओपन डिस्क है, इसके अंदर के सभी पॉइंट्स इस z0 के नेबरहुड पॉइंट्स हैं। ये है नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब पड़ोस, उसके आजू बाजू के पॉइंट्स। अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की तो रियल नंबर लाइन इस तरह की होती है, मान लो यहां पॉइंट है 2, तो 2 के पड़ोस में कौन आएगा, यहां इतनी डिस्टेंस पे 3 है, इतनी डिस्टेंस पे 1 है, 2 के पड़ोस ही ये हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स आजू बाजू के जो हैं। अब पड़ोस फिक्स्ड डिफाइन नहीं है कि कितना पड़ोस होता है। आप नोटिस करोगे कि आप जिस भी कॉलोनी में रह रहे हो उसके आसपास के लोगों से अगर आप बात करो
तो पड़ोस आप बताओगे कि हाँ आजू और बाजू के लोगों को पड़ोस आप बताओगे। लेकिन मान लो आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और किसी दूसरी सिटी या आसपास की थोड़ी सी आपके घर से काफी ज्यादा दूरी से कोई बंदा आपको वहां मिल जाता है और वो आपको बताता है कि अरे मेरी पहचान का बंदा एक वहां वहां रहता है, तो अगर वो आपके घर से 20 घर दूर भी है तो आप ये कह सकते हो कि अरे हाँ वो तो हमारे पड़ोसी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो घर छोड़ करके पड़ोस डिफाइन करो कि 20 घर छोड़ करके पड़ोस डिफाइन करो, ये आप पे डिपेंड करता है। पड़ोस को कुछ फिक्स्ड डेफिनेशन तो नहीं दे रखी ना कि इतनी दूरी को ही पड़ोसी माना जाएगा या पड़ोस माना जाएगा, फिक्स नहीं है। तो वैसे यहां फिक्स नहीं किया हुआ, डेल्टा बोल दिया कि भाई Z0 का पड़ोस ये डेल्टा तय करेगा। जितना आप डेल्टा लोगे उतना ही ये डिस्क बड़ी या छोटी होती जाएगी और उसका पड़ोस चेंज होता चला जाएगा। एक बात यहां ध्यान देने वाली ये है कि नेबरहुड या डिलीटेड नेबरहुड दोनों ही सिचुएशंस में कभी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट नहीं आते, दोनों ही सिचुएशन में ओपन डिस्क आती है। यहां भी ओपन डिस्क ही आती है, क्लोज्ड डिस्क दोनों में ही नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखें आप। सर्कमफेरेंस के कभी भी पॉइंट नहीं आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत जगहों पर इन दोनों को यूज लिया जाता है, नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड को, तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स हम ना लें, ठीक है। दूसरी बात, नेबरहुड को शॉर्ट में NBD भी लिखते हैं, तो मैंने इधर यूज लिया है, आप उसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो क्या बात हुई कि ये पड़ोस इस तरह से फैलता है क्योंकि सिंगल सिंगल पॉइंट्स हैं, एक एक्सिस पे आ जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो पेयर्स के फॉर्मेट में होता है ना पॉइंट्स, ये 2.3 हो जाएगा, पेयर फॉर्मेट में होते हैं पॉइंट्स। तो इसके पास में आप एक लाइन बना करके पड़ोस डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि चारों तरफ पॉइंट्स हैं इसके, इधर उधर 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 चारों तरफ फैले हुए पॉइंट्स हैं। रियल नंबर में तो नंबर लाइन पे ही होते हैं, कॉम्प्लेक्स तो एक प्लेन है, केवल लाइन थोड़ी है। तो प्लेन है तो किसी पॉइंट का अगर आपको पड़ोस डिफाइन करना है तो सर्कुलर फॉर्मेट में आगे बढ़ना पड़ेगा, चारों तरफ के पॉइंट्स को कवर करने पड़ेंगे। और सर्किल ही क्यों, आप अगर रेक्टेंगल ले लेते इस पॉइंट के लिए तो रेक्टेंगल में तो पार्शियलिटी हो जाती ना, क्योंकि आप इसको पड़ोस बोल रहे हो और इसको भी पड़ोस बोल रहे हो लेकिन इसको नहीं बोल रहे। तो ये पॉइंट बोल सकता है कि भाई जब इतनी दूर का पॉइंट पड़ोस है तो मैं तो इससे फिर भी पास हूं थोड़ा, मैं क्यों नहीं पड़ोस हूं। तो पड़ोस को डिफाइन करने के लिए या नेबरहुड को डिफाइन करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सर्कुलर फॉर्मेट में आगे बढ़ो तो सबको बराबर बराबर मौका मिलेगा। अब कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है वो इस डेल्टा पे डिपेंड करता है, जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, उसकी कुछ बताया नहीं गया कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो आप पे डिपेंड है या उस सिचुएशन पे डिपेंड है या डेफिनेशन पे डिपेंड है, सिचुएशन के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। और डेल्टा नेबरहुड इसको बोला जाता है, किसका, Z0 पॉइंट का, Z0 पॉइंट का डेल्टा नेबरहुड है, डिनोट करेंगे हम इस नोटेशन से, छोटा सा डेल्टा यहां लगाया हुआ है, Z0 यहां ब्रैकेट में है, या फिर कुछ जगहों पर ऐसा भी लिखा हुआ दिख जाता है, नेबरहुड ऑफ डेल्टा, नेबरहुड ऑफ Z0 और डेल्टा डिस्टेंस। अब डिलीटेड नेबरहुड क्या है, डिलीटेड नेबरहुड है द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन रियल पॉजिटिव नंबर डेल्टा, वो मैंने इधर भी लिखा है, पॉजिटिव रियल नंबर है डेल्टा, इज द सेट ऑफ ऑल Z पॉइंट्स फॉर विच, देखो डेफिनेशन लगभग सेम है, ये चीज और ये चीज तो सेम है, केवल एक चीज का फर्क है, ये चीज डिनोट कर रही है इसी को, बस यहां Z0 पॉइंट हटा दिया गया है। यहां पर Z0 पॉइंट को भी इंक्लूड किया था इस ओपन डिस्क में, इस ओपन डिस्क में से अगर Z0 पॉइंट हम हटा दें तो वो डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड में सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उस पॉइंट का, उस पॉइंट को अगर इंक्लूड कर लिए पड़ोस में या पड़ोस में जो पॉइंट्स बन रहे हैं उनका जो सेट है उसमें, तो वो नेबरहुड हो जाएगा। और अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट को हटा देते हो पड़ोस के सारे पॉइंट्स के सेट में से, तो वो डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा, कि उस पॉइंट को डिलीट कर दिया हमने, हटा दिया है, ठीक है। तो उसको डिनोट करते हैं N- से, तो N- में और N में क्या फर्क है, N- में N के सभी एलिमेंट्स लेने हैं, बस माइनस कर देना है Z0, Z0 हटा देना है, एक पॉइंट हटा देना है बस, ये है डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है। तो एक छोटी सी बात मैं यहां बता दूं कि इसका क्या मीनिंग था, इसका मतलब था देखो Z-Z0 का मॉड जो है ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ऐसे Z पॉइंट्स लेने हैं, इस तरफ की बात कर रहा हूं मैं, इधर तो आपको समझ आ ही गया होगा ओपन डिस्क है, तो इधर की मैं बात करूं अगर, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा
मतलब ऐसे जेड पॉइंट्स जिसकी जेड जीरो से दूरी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे जेड पॉइंट्स, ये सभी जेड पॉइंट्स इस तरह के हैं जिनकी इस जेड जीरो से दूरी जीरो से बड़ी है। जेड जीरो से दूरी जीरो के बराबर कब हो सकती है? जब वो खुद जेड जीरो पॉइंट को इंक्लूड कर लें। तो इसलिए स्पेशली ये चीज लिखी हुई है यहां पर, क्योंकि अगर किसी चीज का मॉड लेस देन है किसी चीज से, तो मॉड लेस देन होते होते लास्ट में जीरो हो सकता है। तो मतलब इधर तो लास्ट में ये मॉड जीरो हो सकता है, तो ये जेड इज इक्वल टू जेड जीरो आ जाता है यहां तो, लेकिन यहां नहीं आ सकता। ये यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, शायद मैंने बहुत ज्यादा ही डिटेल में आपको बता दी है, लेकिन ये फील होना जरूरी है आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने के लिए। आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ी सी और अच्छी डेफिनेशन जिनमें कंपैरेटिवली ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इन डेफिनेशन में तो फिर भी बहुत न के बराबर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आगे जो हम डेफिनेशन लेंगे उनमें काफी ज्यादा कन्फ्यूजन रहता है। और आप मेन फोकस किया करो उसके मैथमेटिकल जो इक्वेशन होती है उसमें, वो समझ में आनी चाहिए आपको लिखी हुई। कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, विजुअलाइज होना ही चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है वो भी समझ में आना चाहिए, और वर्ड टू वर्ड भी समझ में आना चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है जो भी मैथमेटिशियंस इन डेफिनेशंस को बनाते हैं उसमें, तो इसमें एक एक वर्ड का ध्यान रखा जाता है। वो आप अगर समझ पाए, फील कर पाए, तो बहुत आसान लगेगी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।